दुनिया कहती है कि बाबू एक म्यान में दो तलवार नहीं टिक सकती, लेकिन अगर आप अंबानी हैं तो आपके पास दो नहीं बल्कि चार तलवारें एक ही म्यान में एडजस्ट हो सकती हैं और चारों मुस्कुराते हुए पोज कर सकती हैं। जी हम भी हैप्पी, तुम भी हैप्पी, तुम भी हैप्पी, तुम भी हैप्पी, और आपको हैप्पी दिवाली। मुंबई इंडियंस में यही हुआ है। बीते साल रोहित की जगह जब हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी दी गई तो सिर फुटव्वल हो गया था। जी क्या गजब का सिर फुटव्वल हुआ था। मिलियंस ऑफ फैंस जो हैं वो नाराज हो गए थे, लाखों फैंस ने मुंबई को अनफॉलो कर दिया था। हार्दिक पांडे जा जाते थे बू 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 हो रहा था। तिलक वर्मा को लेकर सारा नाटक नौटंकी शुरू हो गई थी, लड़ाई झगड़े ड्रेसिंग रूम में हो गए थे। लेकिन मुंबई में जो कुछ आईपीएल 2024 में हुआ, ऐसा लगता है मुंबई को खास फर्क नहीं पड़ा और सब यहीं पर है। हाँ जी, थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हुआ है, थोड़ा सा ईगो सेटिस्फाई किया गया, लेकिन एक मैन में चार तलवारें एडजस्ट कर दी गई है। रोहित शर्मा को कहा गया कैप्टेंसी बनाने, कहा गया रोहित ने कहा सूर्या बना दो, सूर्या को बनाया नहीं गया। अब फिलहाल कहानी यह है कि बुमराह का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें नंबर वन रिटेंशन दिया गया 18 करोड़ रुपया। बुमराह छूट जाते तो कम से कम 30 करोड़ कमाते। सूर्या 16.5 करोड़ में नंबर टू रिटेंशन गए। हार्दिक बाबू कैप्टन होकर तीन पर गए, कैप्टेंसी मिल गई, रिटेंशन में तीन पर है, ईगो सेटिस्फाई ऊपर वालों कर दिया गया। रोहित को 16.3 करोड़ में रखा गया। तिलक से कहा गया जी तुम छोटे हो, आधा टिकट लेगा, 8 करोड़ ले लो, वो भी खुश हो गए। लेकिन ये सारे एक साथ आएंगे किसी ने इमेजिन नहीं किया था, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि यार अंबानी है तो मुमकिन है, क्योंकि बाकी सूर्या कैप्टन मटेरियल थे। खबर चल रही थी जी केकेआर बनाएगी सूर्य कुमार को कप्तान, मुंबई में अगर हार्दिक रहेंगे तो रोहित निकल जाएंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे, बुमराह को तो कोई भी टीम ले लेगी। बट अब ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मुंबई वालों ने बस चार पोस्टर रिलीज कर दिया, कहा जी मुंबई का राजा रोहित शर्मा। रोहित भाई ने भी कह दिया जी देखो हमने रिटायरमेंट ले ली है, अब मुझे लगता है 4 नंबर रिटेंशन अच्छा है, ये लड़के अच्छा कर रहे हैं। बट दैट्स एक्चुअली शॉकिंग यार, एक्चुअली शॉकिंग। मुंबई ने मैनेज कर लिया, सूर्या इंटरनेशनल कैप्टन है जो हार्दिक कैप्टनसी में खेलेंगे, रोहित वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है जो हार्दिक कैप्टनसी में खेलेंगे, बुमराह अपने आप को स्मार्टेस्ट कैप्टन कहकर हार्दिक कैप्टनसी में खेलेंगे और चारों खेलेंगे। तिलक बाबू भी अलग, जिनको डांट पड़ी थी। दैट्स मुंबई इंडियन, दैट्स अंबानी पावर। मुंबई का कोर बहुत स्ट्रांग है, अगर ये टीम रह गई जो हो गई है तो बहुत स्ट्रांग कोर है। रोहित भाई, हालांकि रोहित भाई के लिए मोशन भी था, 14 साल में 212 मैच खेले, 5458 रन बनाए, बहुत लंबा टाइम खी दिया उन्होंने। बट अगेन ये रुकना बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 बड़ी बात है। बट एक बयान में चार तलवार, दैट्स क्रेजी, दैट्स इनसेन, एंड दैट्स अंबानी फॉर यू।